ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देगा इस भाई में सफल नमस्कार, आप देख रहे हैं एक इंडिया न्यूज चैनल। मैं अनिल ढांडा और फिलहाल हम मौजूद हैं भैरवखेड़ा गांव के अंदर। यहां पे फिलहाल पहुंचे हैं कुलदीप रंधावा और आप जो चारों तरफ देख सकते हैं जो कि यहां पे एक बहुत बड़ी संख्या में यहां पे जन सैलाब यहां पे उमड़ा है रंधावा जी के प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर हम बताएंगे कि लोगों के अंदर किस तरह का यहाँ पर स्नेह है और यहाँ पर आखिर क्यों पहुँचे हैं। रात का समय है, फिलहाल हम थोड़ी देर बात कर लेते हैं रंधावा जी से। सर नमस्कार, चैनल पर स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे कि रात का समय है और इस टाइम पे लोग खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन अभी भी आपके प्रोग्राम में इतनी रौनक है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, हर गांव में इतना प्यार मिल रहा है, रात को भी लोग मतलब प्यार देने के लिए, समर्थन देने के लिए अभी रात ने भी खाना छोड़ कर अभी मीटिंग में बैठे हुए हैं। और इस मीटिंग से लग रहा कि हम आने वाले समय में इन्होंने तो मुझे चेयरमैन का आशीर्वाद दे दिया, खाली पार्षद का नहीं, इतनी बड़ी जीत दे देंगे कि जिले में सबसे 25 वार्डों में सबसे बड़ी जीत 15 वार्ड से अपनी होगी। किस तरह की गुट्टी पिलाई है जो लोग यहाँ पे इतने इकट्ठा हो गए इतने समय में? गुट्टी तो मैं काफ़ी पहले 5 साल पहले से ही सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूँ, कोई गुट्टी नहीं है। इन्होंने मेरे कार्य देखे हैं और मुझ पर विश्वास जताया है और इनका विश्वास को देखकर मैं ये कहूँ हूँ कि आने वाले समय में मैं इनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। कहने का मतलब है अपनी वार्ड के जनता का किसी तरह का पगड़ी आप झुकने नहीं देंगे, हर काम में तत्पर रहेंगे आप? तत्पर रहेंगे, चाहे जेब से विकास कराना पड़ो, मैं कोई एक पैसा भी यहाँ से खा के नहीं निकलूंगा, जेब से लगा के निकलूंगा। धन्यवाद सर। तो यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे भी हम जानेंगे। तो नमस्कार। नमस्कार। आज ये अपने भाई रंधावा यहाँ पे पहुँचे हैं, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या इनको आप अपना समर्थन देते हैं, क्या आपके प्यार के लायक हैं ये? हाँ गाँव जी, तो आप इसको जिता के भेजेंगे? जिता के भेजेंगे। तो एक तो और करे पूरा जोर लगा देंगे? पूरा जोर तो जोर जमा जिता का डांगे। क्या खास बात लगी इनके अंदर, क्यों आप इसके लिए जोर लगा रहे हैं? हमारे रिश्तेदार या तो काम और मेरा पल्ला भी जान पहचान, हमारा सारा काम रहा, सारा काम मैं 36 को मैं अकेला हूँ, हर सुख दुख में खड़े रहते हैं जमारा होंगे। तो आपको लगता है जो आपने इनसे उम्मीदें जगाई है क्या वो पूरा करेंगे? पूरा करेंगे पूरा करेंगे। तो कुछ और नौजवान साथी यहाँ पे, आप इसी गांव से हैं? हाँ जी, इसी गांव से हैं जी। तो आज यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे रंधावा जी का है और आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या कारण है कि इस टाइम पे आप अपने काम छोड़ के यहाँ पे मौजूद हैं? कुलदीप रंधावा जो है हमारे सारे सामाजिक कामों से लगे हुए हैं, सुख दुख में साथ देते हैं हमारा, आते रहते हैं, मिलते रहते हैं और हमसे आशा करते हैं कि आगे जितने भी सामाजिक काम है वो हमारे पूरे करेंगे, तत्पर तैयार रहेंगे। क्या आप यहाँ सिर्फ गांव से ही जिता के भेजेंगे या वार्ड में भी? नहीं, पूरा वार्ड में चेयरमैन बना के निकालेंगे, आगे इसको MLA की उसमें भी हम देखना चाहते हैं इनको। ठीक है सर, तो एक भाई से और बात करते हैं और फिर फिलहाल के लिए विराम देंगे। ये कुलदीप रंधावा जो है नौजवान है, आप नौजवानों के लिए क्या काम कर सकते हैं, क्या उम्मीद है आप? रोजगार के लिए अगर भाई साहब ने पहले भी कह रखे चेयरमैन बन गए तो रोजगार का अवसर जरूर खोल लेंगे वार्ड में, आम भाई का पूरा समर्थन कर रहा है। आप युवा हैं, युवा एनर्जी है, तो वार्ड के अंदर किस तरह की जान फूकने का काम आप करेंगे? जी हमने जिंदा देख रखे भाई को जिताने के लिए, भाई साहब जो प्यार उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आपने देखा गांव भैरवखेड़ा के अंदर हम मौजूद हैं और मेरे पीछे की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पे, इतनी रात को भी यहाँ पे लोग यहाँ रंधावा का प्यार में यहाँ पे आए हैं और देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में इनको कितना यहाँ पे प्यार मिलता है, क्या इनके सिर पे ताज सजेगा। लोगों की उम्मीदें काफ़ी हैं, कितना यहाँ पे खरा उतरते हैं। और यहाँ पे रंधावा जी ने कहा कि मैं बनूँ ना बनूँ लोगों के साथ मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। फिलहाल के लिए हम चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। मैं अनिल ढांडा, AK News जींद।